कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं सतीश जी के पास और कुछ दो पंक्तियों से सतीश जी को आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि हमारा देश जो है वो सेक्युलरिज्म पे भरोसा करता है, धर्म निरपेक्ष राज्य है, इसलिए कहते हैं कि ना जियो धर्म के नाम पर ना मरो धर्म के नाम पर, ना जियो धर्म के नाम पर ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर, बस जियो वतन के नाम पर। बहुत बहुत स्वागत सतीश जी आपका, बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार, बहुत शानदार तरीके से आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत आभार। सबसे पहले मैं सभी उपस्थित वरिष्ठ एवं सभी को मैं सादर चरण स्पर्श करता हूँ। दादा मधु साहब, बाबा कानपुरी जी, चंद्रभानु मिश्र जी, केसी श्रीवास्तव जी, राजीव पांडे जी, सभी को चरण स्पर्श करते हुए मैं अपनी कविता रखता हूँ। जैसा कि कहा कि धर्म की बात अंशु जी आपने कही, तो दो पंक्तियां मैं कहूं कि नीच निकम्मे बेईमान मजहब नंगे करवाते हैं, स्वार्थ में अंधे होकर के खूनी दंगे करवाते हैं। तो ये मैंने कविता लिखी थी, लेकिन 15 अगस्त के उपलक्ष्य में कार्यक्रम है तो मैं शहीदों की बात करना चाहता हूं। मैंने एक बहुत कई वर्ष पूर्व एक कविता मैंने लिखी थी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव पर, वो कविता मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। मैं ज्यादा बड़ा कवि तो नहीं हूँ, मैं तो आप सभी के चरणों की धूल हूँ, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ आपके समक्ष। बहुत स्वागत जी। कि आओ मिलकर के करें हम उनका गुणगान, आओ मिलकर के करें हम उनका गुणगान, जो भारत माता की खातिर दे गए अपनी जान। देखें मेरी कविता, सतीश जी पढ़िए जी। स्वागत। मेरी कविता कोई साहित्य नहीं है, आसमान वाला वो आदित्य भी नहीं है, साहित्य को मेरे पास ज्ञान भी नहीं है, काव्य रूपी शब्द वरदान भी नहीं है, कविता मेरी कोई श्रृंगार भी नहीं है, खनकती पाजेब की झनकार भी नहीं है। भारत माँ के तीन वीर उनकी कथा सुनाऊंगा, भारत माँ के तीन वीर उनकी कथा सुनाऊंगा, आजादी के दीवानों की तुमको व्यथा बताऊंगा, आजादी की खातिर जिसने छोड़ दिया घर बार था, अंग्रेजों के लिए जिसके अंदर अंगार था, अंग्रेजों की खातिर उनकी आंखों में अंगार था, देश की खातिर भगत सिंह ने शादी का भी त्याग किया, देश के लिए भगत सिंह ने शादी तक के लिए मना कर दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, कानपुर में आकर के रहने लगे और पत्रकारिता करने लगे। उनकी माताजी ने, पिताजी ने उन्हें चिट्ठी भेजी कि बेटे वापस आ जाओ, तो उन्होंने अपनी माँ को जो जवाब दिया, अगर वो जवाब आपको लगे तो मुझे आशीर्वाद देना और हम उन भगत सिंह को भी याद करें। उन्होंने चिट्ठी का जवाब दिया कि ना जरूरत आराम की ना कोई ख्वाहिश, ना जरूरत आराम की ना कोई ख्वाहिश, और ना शादी संबंध चाहिए, मम्मी मुझे तो सिर्फ मेरा ये आजादे हिंद चाहिए, ये आजादे हिंद चाहिए, ये जवाब दिया भगत सिंह ने। तब देखें, देश की खातिर भगत सिंह ने शादी का भी त्याग किया, नीच निकम्मे गोरों की बर्बादी का ऐलान किया, जीवन भर तीनों ने देखो देश धर्म के काम किए, भारत माँ की लाज बचाने वाले केवल कर्म किए, भारत से अंग्रेज भगाना उनकी यही प्रतिज्ञा थी, भारत माँ के बेटे को तो दी अपराध की संज्ञा थी, भारत माँ के बेटे को तो दी अपराध की संज्ञा थी, महायोद्धा थे, महायोद्धा थे ये तीनों, तो स्वतंत्रता संग्राम के हम ऋणी रहेंगे, भारतवासी इनके आजादी संग्राम के, हंसते हंसते फांसी चढ़ गए, ऐसे वीर सिपाही थे, ऐसे मंजर बना दिए गोरों के लिए तबाही थे, ऐसे मंजर बना दिए गोरों के लिए तबाही थे, और उनका अंतिम संस्कार भी किया गया तो रात में नदी के किनारे किसी को पता न चल जाए, ना सांझ थी ना सवेरा था, ना सांझ थी ना सवेरा था, रात का अंधेरा था, किया अंतिम संस्कार वो सतलुज का किनारा था, किया अंतिम संस्कार वो सतलुज का किनारा था। भगत सिंह का जीवन कोई देखो क्रांतिकारी था, भगत सिंह तो भारत माँ का पुत्र वो आज्ञाकारी था, पत्रकार थे भगत सिंह निष्पक्ष लेखनी उनकी थी, पत्रकार थे भगत सिंह निष्पक्ष लेखनी उनकी थी, आजादी की खातिर उसने खून की होली खेली थी, भगत सिंह के संग लड़े थे राजगुरु सुखदेव वहां पर, भगत सिंह के संग लड़े थे राजगुरु सुखदेव वहां पर, भगत सिंह का गिरा पसीना गिरा खून दोनों का वहां पर, भारत माँ आजाद करा दी पहन बसंती चोला, भारत माँ आजाद करा दी पहन बसंती चोला, जिसको पहन शिवाजी ने तो माँ का बंधन खोला, जिसको पहन शिवाजी ने तो माँ का बंधन खोला, कारागृह में गूंज
कारागृह में गूंज उठा फिर इंकलाब का नारा, हर भारतवासी ने पीछे से भर दिया हुंकारा। और देखो फांसी के लिए चारों लड़ने लगे, चारों में प्रतियोगिता हो गई कि फांसी पर पहले मुझे चढ़ाओ, पहले मुझे चढ़ाओ। फांसी देने वाला अधिकारी भी चकित हो गया कि मातृभूमि से इन्हें इतना प्यार है, भारत माता से इन्हें इतना प्यार है कि फांसी के लिए भी लड़ रहे हैं कि पहले मुझे फांसी दी जाए। तब मैंने कहीं लिखा, पहले मुझको फांसी दो, सुखदेव ने वचन उचारा, और नहीं मिलेगा पावन अवसर मुझको ये दोबारा। बीच में बोले राजगुरु कोई मैं हूं सबसे छोटा, बीच में बोले राजगुरु कोई मैं हूं सबसे छोटा, इसीलिए पहले दे दो मुझको फांसी का झोटा, इसीलिए पहले दे दो मुझको फांसी का झोटा। बीच में बोले राजगुरु कोई मैं हूं सबसे छोटा, इसीलिए पहले दे दो मुझको फांसी का झोटा। अब अधिकारी ने कहा कि आपको फांसी लगने वाली है, आपकी फांसी का अंतिम समय आ चुका है, अगर आपकी कोई इच्छा हो तो आप बता दीजिए आपको फांसी लगने वाली है। तो उन्होंने जो अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की, उन्होंने जो अपनी अंतिम इच्छा बताई तीनों ने, मैं आपको बताता हूं, मैंने उनकी जीवनी पढ़ी और उनकी अंतिम इच्छा क्या थी। अधिकारी बोला मुझे बता दो अंतिम इच्छा अपनी, तीनों बोले मुक्ति कर दो एक पल फांसी से अपनी। अधिकारी बोला मुझे बता दो अंतिम इच्छा अपनी, तीनों बोले मुक्ति कर दो एक पल फांसी से अपनी। मुक्त हुए जब फांसी से तो तीनों वीर हुकारे, मुक्त हुए जब फांसी से तो तीनों वीर हुकारे, और जेल के अंदर गूंज पड़े फिर इंकलाब के नारे, जेल के अंदर गूंज पड़े फिर इंकलाब के नारे, जेल के अंदर गूंज पड़े फिर इंकलाब के नारे। जिंदाबाद। और देखें अंतिम चार पंक्तियां, जैसे सियाराम की मूरत बसती हनुमान के सीने में, जैसे सियाराम की मूरत बसती हनुमान के सीने में, भगत सिंह हर दिल में बसते बसते धरती आसमान के सीने में, भगत सिंह हर दिल में बसते बसते धरती आसमान के सीने में। वीर शहीदों की गाथा, वीर शहीदों की गाथा इतिहास सदा दोहराएगा, वीर शहीदों की गाथा इतिहास सदा दोहराएगा, और तिरंगा झंडा उनकी यादों में लहराएगा, और तिरंगा झंडा उनकी यादों में लहराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर, बहुत जोशीली कविता, सब में ऊर्जा भर दी है सतीश जी आपने एक बार फिर, बहुत बहुत जिंदाबाद। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं हरीश जी के पास, और दो पंक्तियों से आपको आमंत्रित करती हूँ कि कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना, कैसी होती है हिफाजत मुल्क की, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल कर देख लेना, कभी सरहद पर चल कर देख लेना। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत स्वागत। नमस्कार, आज की गोष्ठी के अध्यक्ष महोदय अशोक माधव जी, दादा चंद्रभान मिश्रा जी और बाबा कानपुरी जी, सभी को प्रणाम करता हूँ। टल मुरादाबादी जी, सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन सभी का। आप हमारा सौभाग्य है कि बड़े बड़े साहित्यकारों के बीच में आज बैठ के अपनी बात रख रहे हैं, अपनी कविताएं रख रहे हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम हो रहा है, तो आज उन रणबांकुरों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपने भारत माँ के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो आइए उनको कुछ पंक्तियों के द्वारा याद करते हैं। स्वागत कि जान अपनी लुटा जो गए, जान अपनी लुटा जो गए, तन को अपने गला जो गए, अपने प्यारे वतन के लिए अपने सिर को कटा जो गए, अपने सिर को कटा जो गए, बर्फ में जब गिरा था बदन, बर्फ में जब गिरा था बदन, बिन कफन के हुए जो दफन,
बिन कफन के हुए जो दफन, अपने जीवन को कर के हवन, अपने जीवन को कर के हवन, नाम अपना अमर कर गए, नाम अपना अमर कर गए, हर तरफ शोर ही शोर था, बम व गोलों का ही चोर था, टैंक तो पोस कर दोस्ती, टैंक तो पोस कर दोस्ती, नाम अपने जहां कर गए, नाम अपने जहां कर गए, और खून सर हद पे जो था बहा, खून सर हद पे जब था बहा, भारती माँ की जय हो कहा, भारती माँ की जय हो कहा, खून की आखिरी बूंद भी, खून की आखिरी बूंद भी, देश के नाम वो कर गए, देश के नाम वो कर गए। और आइए कुछ पंक्तियों के द्वारा उन वीर शहीदों को पुनः याद करते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वस्व निछावर किया, अपने प्राणों की आहुति दी। मैं कहना चाहता हूँ उन शहीदों को तो याद कर लीजिए, उन शहीदों को तो याद कर लीजिए, थोड़ा पानी तो आँखों में भर लीजिए, गोलियां जिसने खाई हमारे लिए, गोलियां जिसने खाई हमारे लिए, आज मिल कर नमन कर लीजिए, आज मिल कर नमन कर लीजिए। और कितने विकट और कितने विषम परिस्थितियों में हमारे जवानों ने लड़ा था, कि पर्वतों को जो काटे थे नाखून से, पर्वतों को जो काटे थे नाखून से, सरहदों को भी सींचा था जो खून से, सरहदों को भी सींचा था जो खून से, बर्फ में जो तपे कई दिन तक रहे, हनुमंत अप्पा को भी याद कर लीजिए, हनुमंत अप्पा को भी याद कर लीजिए। हनुमंत अप्पा एक ऐसे वीर जवान जिन्होंने कई दिन तक बर्फ में रहकर संघर्ष किया, अंततः वो हार गए। और आगे कुछ पंक्तियां हैं जो अपना जो जवान अपना सर्वस्व निछावर कर देता है उसके लिए, उसके परिवार के लिए हमारी सरकारें क्या करती हैं, हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। इसमें कहा गया है कि जिसने सब कुछ किया इस चमन के लिए, जान अपनी लुटा दी वतन के लिए, जान अपनी लुटा दी वतन के लिए, उनको चाहत नहीं कुछ भी सरकार से, उनके बच्चों को तो याद कर लीजिए, उनके बच्चों को तो याद कर लीजिए। ये कहा जाता है वैसा कि जो हमारे शहीद हैं उनके घर पे जाना एक तीर्थ यात्रा में जाने के बराबर होता है। तो जाता हूँ जो तिरंगा ओढ़ के आ जाते हैं उनके बारे में, उनके बाद में उनके परिवार का क्या होता है और उनकी यादें हम कैसे अपने दिलों में रख सकते हैं, इस पंक्तियों में मैंने लिखा है।
कि मातृभूमि पे कुर्बान जो हो गए, मातृभूमि पे कुर्बान जो हो गए, ओढ़ कर के तिरंगे जो आ गए, ओढ़ कर के तिरंगे जो आ गए, नाम उनका लिखा होगा आकाश में, उनकी यादें दिलों में संजो लीजिए, उनकी यादें दिलों में संजो लीजिए। और आखिरी बंद है, जिस परिवार का बेटा चला जाता है, जिस परिवार का भाई चला जाता है, जिस बहन का, जिस पत्नी का पति चला जाता है, उस पे क्या बीतती है, उसके परिवार का क्या होता है, इन पंक्तियों में मैंने लिखने की कोशिश की है कि जिनके हाथों के मेहंदी का रंग धुल गया, मांग का जिनके सिंदूर ही खो गया, मांग का जिनके सिंदूर ही खो गया, आंख का जिनके काजल बहा अश्क में, आंख का जिनके काजल बहा अश्क में, याद उनकी भी थोड़ा तो कर लीजिए, याद उनको भी थोड़ा तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता सुनाई सर ने, बहुत सुंदर, बहुत जीवंत कविता। कविता सुनकर वो बिल्कुल सीन ऐसा लगता था आपके सामने आ जाता है, तो बहुत जीवंत कविता, बहुत बहुत सुंदर काव्य पाठ, बहुत बढ़िया हरीश जी, बहुत बढ़िया।